तो यार गाइस, फर्स्ट में आपने वीडियो देखा गाइस, ये वीडियो आपको 2 मिनट में एडिट करना सिखा दूंगा। और गाइस, इसको अगर इंस्टाग्राम रील्स पे आप एडिट करके अपलोड करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा वायरल में चली जाएगी आपकी रील, क्योंकि गाइस ये नया नया ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर लाइक मिल रहे हैं। तो चलो गाइस, 2 मिनट में आपको एडिट करना सिखा देता हूँ काइन मास्टर में। काइन मास्टर अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, वीडियो देखो और काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना गाइस। और गाइस, वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है एडिटिंग के वक्त। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। तो चलो गाइस, मोबाइल स्क्रीन के ओर, लेकिन मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो साइकिल देखते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ट्रेंड के ऊपर और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है सब कुछ जानकारी आपको मिलती रहती है। तो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, अभी आपको बता देता हूं मोबाइल की स्क्रीन के ओर, 2 मिनट में समझा दूंगा गाइस, तो वीडियो एंड तक देख लेना गाइस। तो चलो गाइस, मोबाइल की स्क्रीन के ओर। यार गाइस, मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। और गाइस, यहां पे देख सकते हो सामने आपको काइन मास्टर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। तो गाइस, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ना, वो वीडियो 2 मिनट का है गाइस, चेक कर लेना, आपको ये वाला काइन मास्टर मिल जाएगा बिना विदाउट वाटरमार्क वाला, यानी वाटरमार्क नहीं आएगा। ओके, तो गाइस जरूर डाउनलोड करना, बहुत मतलब अच्छा क्वालिटी का है, मेरे पास बहुत सारे ज़्यादा इफेक्ट है इसमें, बाकी वो से अलग है गाइस। तो जरूर इसको इंस्टॉल करना वीडियो देखने के बाद। ओके गाइस, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं और थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके गाइस, और वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, फिर मेरे को मत बोलना गाइस। तो गाइस, यहाँ पे काइन मास्टर ओपन हो रहा है। ओके, हाँ, तो गाइस काइन मास्टर यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, काइन मास्टर ओपन होने के बाद गाइस आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको 9.16 की साइज ले लेनी है। ओके, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सामने में डायरेक्ट मेरी यहाँ पे फाइल्स पे आ गया हूँ, फोटो वीडियो सब मेरी फाइल्स ओपन हो चुकी है। तो गाइस, मेरा एक आपको करना क्या है, एक सेकेंड, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा गाइस। ओके, इंटरफेस आने के बाद इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे जैसे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आपको एक लेयर ले लेनी है, जितने बड़ा आपको वीडियो बनाना है उतनी बड़ी लेयर लेना, आप ज़्यादा बड़ी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं लेना, बाकी अगर आपकी लेयर ज़्यादा है तो आप कट कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा आपको। ओके, एक बार इतना लेयर मैं ले लेता हूँ। अब गाइस आपको करना क्या है, लेयर को कट कट करते जाना है, यानी कि एक एक दो दो सेकेंड का। तो गाइस मैं करता हूँ कट, आपको कैसे कट करना है मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो गाइस एक सेकेंड, तो यहाँ पे इतना ले लेता हूँ ये लेयर को, फिर लेयर पे क्लिक करूँगा, फिर कैंची पे, फिर ये दिख रहा है स्प्लिट, इस पर क्लिक कर देना है, फिर आगे लेना है और उस पर क्लिक करना है। एक सेकेंड मैं पहले बता दूँ, इतना ही कट कट करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, इतना और इतना। ओके, मैं 4 पार्ट ले लेता हूँ, आप जितना पार्ट लेना चाहते हो 10, 15, 20 उतना ले लेना। तो मेरा वीडियो छोटा है इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं ले सकता। ओके, तो भाई यहाँ पे मैं वो जो मैंने कट किया उसके ऊपर एक एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसे ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कलर व्हाइट, उस पर क्लिक करना है। और भाई एक एक कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू वाला। ओके, ये ब्लू कलर मैंने ले लिया। अब भाई दूसरे में मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, दूसरे पे क्लिक करता हूँ वापिस कलर पे, वापिस गई रेड ले लेता हूँ मैं। गई ऐसे आपको करते करते अलग अलग कलर, जो जो कलर आपको वीडियो में डालने हैं, जैसे वो लड़की ने डाला था वैसे अलग अलग कलर आप ले लेना। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कलर ले लेता हूँ। ओके गई, तभी आपको बता देता हूँ मैं लेके। तो देखो गई यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कलर ले लिया है। ओके, तो कलर ऐसे कुछ आएंगे गई, देख सकते हो आपको एक एक कलर दिख रहा होगा। तो गई मेरा लेयर जो मैंने लिए 5-1 साइज लिया है खाली, आप 15-20 जितना लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद स्पॉट पे, स्पॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे दिख रहा है मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो ले लेते हो, आपका जो भी फाइल में है वो वीडियो आपको ले लेना है। अब गाइस इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। देखो अब क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके ये यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो गाइस ऐसा कुछ वीडियो हो जाएगा। अब गाइस आपको करना क्या है, देखो मेरा वीडियो कितना ज़्यादा ही छोटा है 5 सेकंड का, तो मैं ये जो प्लेट है थोड़ी छोटी कर देता हूँ मैं। तो गाइस आपको आपने इस आपका वीडियो जैसा है वैसा ही प्लेट रखनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं। ओके, तो चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा वैसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कर लेता हूँ, मैं अभी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ प्लेट, फिर आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने जितना मेरा वीडियो था उतने बराबर एडजस्टमेंट करके उतनी प्लेट कर दिए। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैं करना क्या है आपको, देखो ये 4-5 जो कलर लिए गाइस, ये कलर आपको लेना ही वीडियो में, थोड़ा अच्छा लगता है गाइस, ये कलर मस्त कलर है, तो ये लेना ही आपको। ओके, तो गाइस आपको करना क्या है, अभी ये वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। देखो मैंने जहाँ नीचे क्लिक किया यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे क्रोमा के पे जाना है। क्रोमा के पे जाने के बाद ये इनेबल है,
ऑफ है सॉरी, इसको इनेबल कर देना है। अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है, ये देखो के कलर, इस पर क्लिक करना है। और मेरा शर्ट देख सकते हो आप कितना रेड कलर का है, मेरे दोस्त का वीडियो है उसका कलर देख सकते हो रेड कलर का है, शर्ट है उसका देख सकते हो टी शर्ट, तो इसको रेडी कलर में लेना है आपको, जो कलर का आपका टी शर्ट है वही कलर में लेना। अब गाइस यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो गाइस उसके जो चेहरा है उस पर चेहरे पे उसके कलर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है गाइस। तो मैं करता हूँ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं बराबर एडजस्टमेंट कर लूँ, तो देखो गाइस ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हुआ। ओके, तो गाइस आपको लाल टी शर्ट में लोगे ना वीडियो, तो बहुत अच्छा कलर उस पर एडजस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो मेरा भी हो गया, तो गाइस ऐसे कुछ ले लेना है आपको। अब गाइस करना क्या है आपको, अभी समझना गाइस, अभी मेन पॉइंट है। ओके, तो अभी गाइस जैसे कि आपको अभी एक एक से चालू करना है, आपको जो लड़की का आ रहा था साइड में से फोटो और जुड़ रहा था उसके आपको दिख रहा होगा, तो गाइस वो ले लेना। अभी वो कैसे लेना है देखो, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है बराबर, फिर वापस यहाँ पे ओके ऐसे रहने देना है, फिर यहाँ से देखो यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना है, कैप्चर करते रहना है और आगे जाना है गाइस। और एक कलर पे यहाँ पे फर्स्ट में से लेना है आपको, ये देखो इधर की साइड से नहीं लेना है, इधर की साइड से लेना है फर्स्ट में से। अब गाइस ऐसे छोड़ देना है, फिर यहाँ से कैप्चर वाला ओपन हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक कर देना है। वापस गाइस दूसरे ये कलर पे जाना है, वापस आपको एक कैप्चर लेना है, यहाँ पे कैप्चर एंड सेव क्लिक कर देना है। वापस गाइस लास्ट में जाता हूँ, लास्ट में इस पर अभी ऐसा आओगे ना गाइस, तो यहाँ पे देखो ऊपर एस के ऊपर एस कर देना उसके ऊपर, और गाइस फिर ऐसा आ जाएगा आपका, फिर इसको कैप्चर सेव कर देना है। ओके, अब गाइस मैंने सेव कर लिया, अभी गाइस डायरेक्ट बैक आ जाना। बैक आने के बाद अभी आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखो बैकग्राउंड बीजी सेलेक्ट का यहाँ पे सर्च कर देना है। देखो ये मैंने सर्च किया है बैकग्राउंड बीजी, ओके रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। तो गाइस वहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा ऐसा कुछ इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, दो मिनट में आपका बैकग्राउंड का पीछे का बैकग्राउंड गायब हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये लड़की का। तो गाइस आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे ढूंढने में तकलीफ आ रहा है तो यहाँ पे आपको ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे मेरे स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, तो एक एक करके सारे स्क्रीनशॉटों को आपको बैकग्राउंड हटा देना है। देखो ऐसे करके मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, फिर आप अपने आप हटा लोगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये मेरा बैकग्राउंड हट गया, अभी डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वीडियो, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ बराबर, तो देखो गाइस यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो गाइस ऐसा ही हर फोटो को करना है, फिर ऊपर लेना है, एक तो डाउनलोड हो गया मेरा, फिर अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पे जाने का ब्राउजर में जाता हूँ। ब्राउजर में जाने के बाद गाइस आपको बराबर देख के एक अभी ये वाली इमेज हो गई मेरी, अभी दूसरी वाली लेता हूँ। दूसरी वाली लेने के बाद एक सेकंड दूसरी वाली पे क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, रिमूव होने के बाद गाइस आपको बता देता हूँ मैं करना क्या है, एक सेकंड। तो गाइस ये कुछ लोड ले रहा है, तो गाइस यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो गाइस इसका भी बैकग्राउंड हट गया। अभी वापस इसको डाउनलोड करूंगा, तो गाइस मैं सब अभी इसको क्रॉप करके अभी बता देता हूँ आपको, तो गाइस ऐसे डाउनलोड कर लेना। तो गाइस दो का बता लिया आपको, फिर आपको मैं सब करके बता देता हूँ। ओके, हटा दिया, आपको लास्ट फोटो दिख रहा होगा। अभी गाइस क्या करना है, वापस आ जाना है आपको काइन मास्टर पे, तो मैं यहाँ पे मेरे काइन मास्टर पे आ जाता हूँ। मैं वापस काइन मास्टर पे आ गया सब फोटो हटाने के बाद। अभी गाइस करना क्या है आपको, अभी गाइस जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था, बराबर अभी मैंने जैसे यहाँ से चालू किया था स्क्रीनशॉट लेना, जहाँ से मैं ले रहा था आपने देखा होगा। ओके, तो गाइस यहाँ से आपको फोटो लेते चलना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिए। अभी देखना गाइस बराबर, अभी गाइस प्लस दिख रहा है ना आपको, प्लस में बराबर आपकी लाइन होनी चाहिए रेड वाली, रेड के वैसे ही छोड़ना है। फिर आपको गाइस यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद मैं देखो यहाँ पे बराबर प्लस वाला आइकन ले लेना है, फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे, मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे बराबर वीडियो की साइड में ले लेना है आपको, देखो ये वाला। ओके, और यहाँ से गाइस इसको एक सेकंड का या आधा सेकंड का आगे लेके आना है, फिर वापस प्लस दिख रहा है आपको, छोटा वाला प्लस दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है गाइस, और वीडियो को बराबर बीच में से यहाँ पे कट कर देना है। तो मैं कैसे करना है देखो, प्लस वाले आइकन पे गया बराबर, और यहाँ पे कैची पे जाता हूँ, फिर राइट साइड का कट कर देता हूँ, देखो राइट साइड गायब। ओके, तो गाइस अभी करना क्या आपको, वीडियो को यहाँ पे ऐसा बराबर फर्स्ट में आ जाना है ये अपना स्क्रीनशॉट के, और गाइस यहाँ पे कैची के ऑप्शन पे जाना है, फिर इसको आगे ले लेना है। आगे लेने के बाद ये देखो छुपा देना है, फिर यहाँ से पीछे आना है, यहाँ से पीछे आने के बाद ये जो अपना स्क्रीनशॉट है इसको यहाँ से खींचना है वापिस, तो दिखा देता हूँ मैं खींच के वापिस, एक सेकेंड ना गाइस, तो यहाँ पे देखो गाइस आ गया। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ लगा देना है आपको, तो एक सेकेंड इतना में लगा देता हूँ। अभी देखना गाइस वीडियो कुछ ऐसा बन जाएगा अपना, तो देखो गाइस
यहाँ पे एक बन गया। अब गाइज मैं दूसरा वाला लेता हूँ, दूसरे वाले इस पे जाके देखो, दूसरा वाला मैं यहाँ पे प्लस वाले पे गया, फिर लेयर पे जाता हूँ, फिर मीडिया पे जाने पे इस पे, तो देखो गाइज ये दूसरा वाले का बराबर मैंने ले लिया। ओके तो इसको भी मैं बराबर जूम करके फुल स्क्रीन करके बराबर लेके आता हूँ। अब गाइज इसको आगे लेना है वही एक दो सेकेंड का लेने के बाद, एक सेकेंड का आधे सेकेंड का ज़्यादा मत लेना। ओके और वापस प्लस पे जाके इस पे रहने देता हूँ, फिर कैची का फिर राइट साइड का कट कर देता हूँ। अब गाइज आपको करना क्या है, इसी के ऊपर दो नंबर के वाले ऊपर क्लिक करना है लेयर पे, फिर इस पे जाना है चौबी पे, फिर इसको यहाँ से छुपा देना है एक सेकेंड, इतना छुपा देना है, फिर इधर लास्ट में आना है, फिर उसको निकाल के वापस वही बिठा देना है। अब गाइज देखना दूसरा वाला कुछ ऐसा बन जाएगा अपना, तो देखो गाइज ऐसा कुछ बन गया। तो देखो गाइस अब मेरा वीडियो एडिट हो चुका है और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो मैंने सब बराबर कर लिया है। अभी इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस ऐसा कुछ वीडियो मेरा बन चुका है और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखा गाइस आपने, तो गाइस यहाँ पे देखना वीडियो में कलर देखो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट बराबर करना तो आपका कलर बराबर आ जाएगा, यहाँ से एडजस्टमेंट बराबर कर लेना। तो आई होप कि गाइस वीडियो समझ आ गया हो, किसी भी बारे में दिक्कत आए तो कमेंट कर देना अपने भाई को, आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए स्पेशल बनाएगा और बता देगा। नहीं तो फिर नीचे टेलीग्राम की लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मेरे को पूछो, वहाँ पे मैं पर्सनल में आपको बता दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे न्यू अपडेट मिलते रहते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।